गाइस, दिस इज अमानी बंसल एंड आई वेलकम यू ऑल टू सिविल लिबस एस्पिरेंट्स। आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। और इस वीडियो में हम समझेंगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। बहुत ही सरल भाषा में दहेज यानी डाउरी का मतलब होता है किसी प्रकार का पेमेंट, चाहे कैश में हो या प्रॉपर्टी में, जो ब्राइड की फैमिली द्वारा दूल्हे या उसके परिवार को दिया जाता है। अब दहेज तो हमारी कंट्री में सदियों से लिया और दिया जा रहा है और ये बहुत ही कैजुअली एज अ कस्टम फॉलो होता था। लेकिन इस एक्ट के आने से पहले दहेज लेना या देना कोई अपराध नहीं था। तब तक प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई जब तक ब्राइड की फैमिली ब्राइड ग्रूम की फैमिली को अपनी इच्छा से डाउरी देती थी। प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब डाउरी लेने या देने के चक्कर में, यानी डाउरी डिमांड के चक्कर में, ब्राइड और उसके परिवार वालों के ऊपर अत्याचार होने लगे। कहीं वेमेन्स को तो अपनी लाइफ तक से हाथ धोना पड़ा। इनिशियली डाउरी से रिलेटेड केसेस से डील करने के लिए हम आईपीसी के प्रोविजंस पे रिलाई करते थे, जैसे कि सेक्शन 302-304, सेक्शन 326-327 एंड सो ऑन। हाउएवर कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना होने की वजह से डाउरी के केसेस में कोई खास कमी नहीं आई। इसीलिए पार्लियामेंट ने ईयर 1961 में पास करा द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। ये एक्ट ना तो सिर्फ डाउरी लेने और देने को एक ऑफेंस बनाता है, इन फैक्ट डाउरी डिमांड करने को भी एक ऑफेंस बनाता है। पर मान लीजिए डाउरी डिमांड के चलते किसी विमेन की डेथ कॉज कर दी जाए तो क्या किया जाए? ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए ईयर 1986 में आईपीसी में अमेंडमेंट कर एक नया सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 304B, जो डील करता है डाउरी डेथ से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 304B, अगर किसी महिला के शादी के 7 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाए और ये प्रूव कर दिया जाए दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, तो ये माना जाएगा कि उस विमेन की डाउरी डेथ हुई है। सेक्शन 304B में डाउरी का वही मतलब होगा जो इस एक्ट के सेक्शन 2 में डाउरी को दे रखा है, विच विल डिस्कस लेटर ऑन। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और सेक्शन 304B आईपीसी के अलावा सेक्शन 498A आईपीसी, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इनके प्रोविजंस को भी इन्वोक किया जाता है डाउरी के केसेस से डील करने के लिए।